मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग न्याय सिद्धांत मुक्तावली का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें द्रव्य के निरूपण के क्रम में हमने पृथ्वी का निरूपण किया, जल का निरूपण किया, उसके बाद तेज का निरूपण किया। आज हम लोग निरूपण करने जा रहे हैं वायु का। तो आज हमारा 35वां पाठ है, अब हम वायु का निरूपण करने जा रहे हैं। तो देखते हैं ग्रंथकार क्या कहते हैं। अपागजो नुष्णाचित स्पर्शस्थु पवने मत तिरिगमनवानेश गेय लिंग स्पर्शादि लिंगक। अयम वायु अपागजो अनुष्णाशित स्पर्शस्तु पवने मत। वायु में अपागज अनुष्णाशित स्पर्श है, तो वायु का जो गुण है वो है अनुष्णाशित स्पर्श, किंतु वह अनुष्णाशित स्पर्श अपागज है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ग्रंथकार स्वयं करेंगे। और तिरेगमनवानेश, यह वायु तिरछा चलता है वायुमंडल में। ठीक है, तिरेक गमन, इसको वायु की जो गति है उसको तिरेक गमन कहा जाता है। और गेय स्पर्शादि लिंग कह, स्पर्शादिना लिंग्यते अनुमीयते, स्पर्श आदि के द्वारा हम वायु का अनुमान करते हैं। ठीक है, तो ये तो सामान्य शब्दार्थ हो गया, तो व्याख्या हम लोग ग्रंथकार के हिसाब से करते हैं। वायु निरूपयति अपागज इति, तो अपागज अनुष्णाशित स्पर्शस्तु पवने मतः, तो ग्रंथकार लक्षण बना रहे हैं वायु का। अपागज अनुष्णाशित स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम, ऐसा लक्षण हमको बनाना है। ठीक है, अपागज अनुष्णाशित स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। अब देखिए, आप लोग जानते हैं स्पर्श, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्णाशित स्पर्श, तीन प्रकार के स्पर्श होते हैं। तो शीत स्पर्श जल में है, उष्ण स्पर्श तेज में है, और अनुष्णाशित स्पर्श पृथ्वी में है और वायु में है। पृथ्वी में जो अनुष्णाशित स्पर्श होता है वह पाकज होता है। ठीक है, पृथ्वी के लक्षण के निरूपण में हमने चर्चा की है। और वायु का जो अनुष्णाशित स्पर्श है वह अपागज है, क्योंकि वायु में पाक होता नहीं है। तो अपागज अनुष्णाशित स्पर्श केवल वायु में ही रहेगा, पृथ्वी जल और तेज में नहीं रह सकता, आकाश आदि में तो स्पर्श है ही नहीं। तो वायु का लक्षण बन गया अपागज अनुष्णाशित स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। ठीक है, अब हम इसका प्रतिकृति करते हैं। तो ग्रंथकार ने स्वयं किया है, अनुष्णाशित स्पर्शस्य पृथिव्याम अपि सत्वात् उक्तम अपागज इति। अब देखिए, अपागज पद को हटा दीजिए, ये अपाप पद को हटा दीजिए, लक्षण क्या बचेगा, अनुष्णाशित स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। ठीक है, अनुष्णाशित स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम, तो अनुष्णाशित स्पर्श तो पृथ्वी में भी है। ठीक है, अनुष्णाशित स्पर्शस्य पृथिव्याम अपि सत्वात्, तो अनुष्णाशित स्पर्शवत्वम ये लक्षण पृथ्वी में चला गया, वायु का लक्षण है पृथ्वी में, अलक्ष्य में चला गया तो अतिव्याप्ति हो गई, इसके लिए हमको अपागज पद देना चाहिए। तो पृथ्वी का जो अनुष्णाशित स्पर्श है वो अपागज नहीं है। ठीक है, कदाचित वो अपागज भी होता है, अलग बात है, उसके लिए हम लोग परिष्कार करेंगे। पृथ्वी में सर्वथा पाकज होता है रूपादि, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जहां पर अग्नि संयोग होता है वहां पर, जहां पर अग्नि संयोग से रूपादि का परिवर्तन हो गया तो वो सब रूपादि पाकज है। जहां पर पाक हुआ नहीं, बिना पाक के भी, जिसे पट है, कपड़ा है, सफेद तंतुओं से सफेद पट की उत्पत्ति हुई, तो जो सफेद पट है उसमें जो रूप रस गंध स्पर्श रहते हैं वो तो अपागज होते हैं। तो पृथ्वी में भी अपागज स्पर्श की संभावना है, किंतु पाकज स्पर्श की संभावना भी है, किंतु वायु में केवल अपागज अनुष्णाशित स्पर्श ही रहेगा, पाकज अनुष्णाशित स्पर्श नहीं रहेगा। तो वायु का जो स्पर्श है वो पृथ्वी के स्पर्श से थोड़ा सा विलक्षण है। ठीक है, अब दूसरा पद का प्रतिकृत करते हैं, अपागज स्पर्शस्य जलादो भी सत्वात् उक्तम अनुष्णाशित इति। अनुष्णाशित पद हटा दीजिए, अपागज स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम, अपागज स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। तो अपागज स्पर्श तो जल का स्पर्श भी, जल में भी पाक नहीं होता, तेज का स्पर्श भी अपागज स्पर्श है, तेज में भी पाक नहीं होता, अतः जल में लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसके लिए हमको क्या करना है, अनुष्णाशित स्पर्श कहना है। तो जल का स्पर्श शीत स्पर्श है, तेज का स्पर्श उष्ण स्पर्श है, अनुष्णाशित स्पर्श जलादि में नहीं है। तो वायु का लक्षण हमारा बन गया
अपागज अनुष्ठान शीत स्पर्शवत्वम वाय हो लक्षणम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एतेन वाय वियो विजातीय स्पर्शो दर्शिता। ठीक है, तो ये लक्षण विचार करने से हमको क्या ज्ञात हुआ कि वायु का जो स्पर्श है वो विजातीय है, अर्थात पृथ्वी के स्पर्श, जल के स्पर्श और तेज के स्पर्श से विलक्षण विजातीय भिन्न प्रकार का स्पर्श वायु में विद्यमान है। तज्जनकतावच्छेदकं वायुत्वम्। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रंथकार ने पहले क्या करते थे, जाति की सिद्धि पहले करके फिर बाद में लक्षण बोलते थे। ठीक है, पृथ्वी में, जल में, तेज में ऐसा किया। यहाँ पर इन्होंने पहले लक्षण का विचार किया क्योंकि ग्रंथकार को क्या बताना था कि वायु का जो अनुष्ठान स्पर्श है वो विलक्षण है, ये बताना था, इसलिए इन्होंने पहले लक्षण की चर्चा की, लक्षण का पदकृत्य किया और सिद्ध किया कि वायु का जो अनुष्ठान स्पर्श है, वायु का स्पर्श विराजीय है, विलक्षण स्पर्श है। उसके बाद उसको आधार मान करके वायुत्व जाति की सिद्धि करेंगे। तद जनकता अवच्छेदकम वायुत्वम। तो अपागज अनुष्ठान स्पर्श समवाय कारणता अवच्छेदकतया वायुत्व जाति सिद्ध्यति। ठीक है, आप लोग स्वयं इसकी व्याख्या कर सकते हैं, हमने एक अनुमान यहाँ पर आपको दिखा दिया है। समवाय संबंधावच्छिन्न अपागज अनुष्ठान शीत स्पर्शत्वावच्छिन्न कार्यता। ठीक है, अपागज अनुष्ठान शीत स्पर्श को हम कार्य बनाएंगे और कार्यता का अवच्छेद होगा अपागज अनुष्ठान शीत स्पर्शत्वम। यहाँ पर भी वो प्रश्न आएगा क्योंकि अपागज अनुष्ठान शीत स्पर्श जो वायु के परमाणु में रहेगा वो तो नित्य है, तो नित्यानित्य साधारण होने से कार्यता अवच्छेद नहीं बनेगा, तो उसका समाधान आप जानते हैं। ठीक है, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं। तो जिस प्रकार से हमने जलत्व जाति की सिद्धि की, तेजस्व जाति की सिद्धि की, उसको हमने परमाणु में भी ले जाकर रखा, वही क्रम वायु में भी करना है। तो सामान्य जो प्राथमिक अनुमान हमारा बनेगा, समवाय संबंधावच्छिन्न अपागज अनुष्ठान स्पर्शत्वावच्छिन्न कार्यता निर्भिद तादात्म्य संबंधावच्छिन्न वायुनिष्ठ कारणता किंचित धर्मावच्छिन्न कारणतात्वात्। ठीक है, या या कारणता भवति सा सा किंचित धर्मावच्छिन्ना भवति इत्यनुमानेन वायुनिष्ठ कारणतायाम किंचित धर्मावच्छिन्नत्व सिद्धौ। यद् धर्मावच्छिन्ना वायुनिष्ठा कारणता तदेव वायुत्वम तत्र लाघवात् जाति। ठीक है, अब तो मुझे लगता है इतना अभ्यास तो आपको भी हो ही गया होगा। ठीक, नहीं हुआ तो जरूरी है करना। आगे बढ़ते हैं। ऐसा वायु स्पर्शादि लिंग कह। ठीक है, वायु का लक्षण बनाया, वायु तो जाति की सिद्धि की, तो त्रिगमन मान ऐसा यहाँ तक की व्याख्या हो गई। गेय स्पर्शादि लिंग कह। अब यहाँ पर एक मतभेद है नवीनों का और प्राचीनों का। आगे ग्रंथकार दोनों मत का प्रदर्शन करने वाले हैं, प्राचीन का मत और नवीन का मत, किंतु यहाँ पर अभी वर्तमान में केवल प्राचीन मत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्राचीनों का क्या मत है, वायु का अनुमान होता है, वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है, नवीन इस पर पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, उनका क्या मत है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ग्रंथकार स्वयं करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये प्राचीनों का मत है कि वायु का हम लोग अनुमान करते हैं, तोगिंद्रिय के द्वारा अभी हम वायु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, ये प्राचीनों का मत है। अतः ऐसा वायु स्पर्शादि लिंग का, स्पर्शादि ना लिंग्यते अनुमीयते, स्पर्शादि के द्वारा वायु का अनुमान होता है। ठीक है, वायु ही स्पर्श शब्द धृति कंपैर अनुमीयते। ठीक है, तो वायु का अनुमान करते हैं किसके द्वारा, स्पर्श के द्वारा, शब्द के द्वारा, धृति के द्वारा, कंपन के द्वारा। ये चार यहाँ पर इन्होंने अनुमान का प्रदर्शन किया है, चार हेतुओं का, अन्य का भी आप संग्रह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रंथकार लिखते हैं, विजातीय स्पर्शेन विलक्षण शब्देन त्रिणादीनाम धृत्या शाखादीनाम कंपनेन च वायुर अनुमानात। ठीक, तो देखिए अब अनुमान का आकार अभी मैंने यहाँ पर नहीं बताया है, जिनको अनुमान का आकार चाहिए पक्ष साध्य हेतु इत्यादि, तो उनको मैं एक सलाह देता हूँ कि आप इसकी जो किरणावली टीका है अथवा दिनकरी टीका है उसको देख करके वहां पर अनुमान का अभ्यास कर सकते हैं। मैं सामान्य रूप से अभी मूल ग्रंथ के हिसाब से यहाँ पर व्याख्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको सिस्टम समझा दूंगा, बाकी आपको विशेष ज्ञान के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, पहला है विजातीय स्पर्शेन। तो विजातीय स्पर्श के द्वारा हम वायु का अनुमान करते हैं। तो विजातीय स्पर्श क्या है, किसी ने आप लोगों ने दीपिका पढ़ी होगी तो दीपिका का ने लिखा है, योयम वायु वातिष्ठति अनुष्ठान शीत स्पर्शो भाषते सस्पर्श क्वचित आश्रित इत्यादि। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं।
देखिए जब हवा चलती है, ठीक है, जैसे हम लोग पंखा चलाते हैं, तो जब हवा चलती है पंखा चलाने पर, अथवा सामान्य जब वायु बाहर का बाहर हवा चलती है, तो हमारे शरीर में एक विलक्षण स्पर्श की अनुभूति होती है, विजातीय स्पर्श की अनुभूति होती है। देखिए स्पर्श कहाँ रहता है? पृथ्वी में, जल में, तेज में और वायु में। पृथ्वी में जहां पर स्पर्श रहता है उसमें रूप भी रहता है, उद्भूत स्पर्श जिस पृथ्वी में है उसमें उद्भूत रूप भी रहता है। यदि हमको कोई पृथ्वी है ना, किसी ने पत्थर हमको फेंका, तो हमको दिखेगा भी, हमको स्पर्श भी होगा, त्वात प्रत्यक्ष भी होगा, और हमको दिखेगा भी किसका प्रत्यक्ष हो रहा है, किसका स्पर्श है हम देख सकते हैं, यदि पार्थिव स्पर्श है। तो जलीय स्पर्श में भी यही स्थिति है, तेज स्पर्श में भी यही स्थिति है, किंतु जब वायु बहती है हमको एक विलक्षण स्पर्श की अनुभूति तो होती है, किंतु स्पर्श का आश्रय द्रव्य क्या है इसका हम चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अतः वो जो विजातीय स्पर्श है वो स्पर्श का आश्रय पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, तेज नहीं है, क्योंकि पृथ्वी, जल और तेज में जब हमको स्पर्श की अनुभूति होती है, स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, तो द्रव्य का भी प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय के द्वारा होता है। जब हवा चल रही है उस समय में जो विलक्षण स्पर्श की हमको प्रतीति हो रही है, स्पर्श का तो प्रत्यक्ष हो रहा है तो इंद्रिय के द्वारा, किंतु स्पर्श का आश्रय जो द्रव्य है उसका चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्पर्श की, विलक्षण स्पर्श की प्रतीति हो रही है, स्पर्श गुण है, और गुण किसी न किसी द्रव्य में ही आश्रित होता है, और वायु और आकाश आदि में तो स्पर्श है ही नहीं। ठीक है, और पृथ्वी, जल, तेज में स्पर्श है, किंतु उनमें रूप भी होता है, द्रव्य भी हमको दिखाई देता है, तो हमको द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, विलक्षण स्पर्श का प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ये जो विलक्षण स्पर्श है उसका आश्रय कोई ना कोई द्रव्य है, तो जो द्रव्य है वही वायु है। इस प्रकार से विलक्षण स्पर्श के द्वारा हम वायु का अनुमान करते हैं। ठीक है, ये हो गया विलक्षण स्पर्श है ना, विलक्षण शब्द है ना। अब इसी प्रकार से आप व्याख्या स्वयं कर सकते हैं, विलक्षण शब्द जब हवा चलती है पेड़ आदि में, आवाज जब टकराती है तो एक विलक्षण शब्द की हमको अनुभूति होती है। ठीक है, जैसे दो द्रव्य आपस में जब टकराते हैं तो शब्द की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हमको पेड़ दिखाई दे रहा है, किंतु पेड़ किसके साथ टकरा रहा है? दूसरा द्रव्य हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो किसी दूसरे द्रव्य के साथ टकराव होने के कारण, संयोग होने के कारण उसमें शब्द की उत्पत्ति हो रही है। वो जो दूसरा द्रव्य है वो पृथ्वी नहीं है, क्योंकि उसमें रूप नहीं है, जल नहीं है, तेज नहीं है, तो वायु है। तो विलक्षण शब्द के द्वारा भी हम वायु का अनुमान कर सकते हैं। तृणादि नाम धृत्या, तृण की धृति, जो तृण है, छोटे छोटे जो कण है, ठीक है, छोटे छोटे जो पत्ते हैं, तिनके हैं, वो जब हवा चलती है तो वो आकाश में उड़ते हैं, उनकी धृति होती है, धारण होता है, अर्थात वो गिरते नहीं है नीचे, पतना भाव। धृति शब्द का अर्थ होता है पतना भाव, पतन का अभाव हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई गेंद ऊपर फेंका, नीचे आ रहा था, हमने हाथ में से हाथ में पकड़ लिया, जब गेंद को हमने जब पकड़ लिया तो गेंद नीचे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। उस गेंद में गुरुत्व है कि नहीं है? तो जिसमें, जिस द्रव्य में गुरुत्व है और उनका पतन नहीं हो रहा है, वो कब होता है? जब उस पतन का प्रतिबंधक कोई ना कोई दूसरा द्रव्य के साथ उस द्रव्य का संयोग हो गया है। ठीक है, गेंद के साथ हमारे हाथ का संयोग होने के कारण, प्रतिबंधक उपस्थित होने के कारण अब वो पतन नहीं हो रहा है, जबकि उसमें गुरुत्व है। उसी प्रकार से जो तृण है उनमें तो गुरुत्व है, उनका तो पतन होना चाहिए, वो लेकिन हवा में, आकाश में उड़ रहे हैं, उन्हें पतन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं पतन हो रहा है? किसी दूसरे द्रव्य के साथ उनका संयोग है, पतन का प्रतिबंधक हो रहा है वहां पर, पतन का प्रतिबंध हो रहा है, तो किसी दूसरे द्रव्य ने उसको धारण कर रखा है, दूसरे द्रव्य ने पतन का प्रतिरोध कर रखा है। वो जो दूसरा द्रव्य है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है हमको आंख से। ठीक है, अतः वो पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, तेज नहीं है, आकाश आदि नहीं हो सकते, तो वायु है। ठीक है, तो त्रिनादि की जो धृति है, पतन का अभाव है, उसके द्वारा भी हम क्या अनुमान कर सकते हैं कि वायु है, वायु का हम अनुमान करते हैं। शाखा दिनाम कंपन है ना, ठीक है, पेड़ है उसमें शाखा में कंपन हो रहा है, जब हवा चलती है तो उनमें उसमें कंपन होता है, हिलते हैं शाखा। ठीक है, तो द्रव्य में कंपन कब होता है? जब किसी दूसरे द्रव्य के साथ उसका संयोग होता है तब कंपन होता है। तो वो जो दूसरा द्रव्य है वो कौन है? वायु है। ठीक है, इस प्रकार से विजातीय स्पर्श के द्वारा, विलक्षण शब्द के द्वारा
त्रिणादि की धृति के द्वारा, पतन के अभाव के द्वारा और शाखादि के कंपन के द्वारा हम वायु का अनुमान करते हैं, वायु अनुमानात। ठीक है, ये हो गया स्पर्शादि लिंग का, स्पर्शादि के द्वारा वायु का अनुमान होता है, इसकी व्याख्या। यथाच वायु न प्रत्यक्ष तथा अग्रे वक्षते। वायु का प्रत्यक्ष क्यों नहीं मान लेते, किसी ने प्रश्न पूछा। क्योंकि इंद्रिय के द्वारा वायु का प्रत्यक्ष होता है, जब हवा चलती है तो हमको प्रत्यक्ष होता है कि वायु बहुत ही, तो वायु न प्रत्यक्ष, वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आगे ग्रंथकार दोबारा इसकी चर्चा करेंगे कि वायु का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है, तो प्राचीन मत के अनुसार नहीं होता है, तो प्राचीन मत का प्रदर्शन भी आगे करेंगे और नवीन लोग प्रत्यक्ष मानते हैं इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्ववन्नित्यता युक्तम देह व्यापी त्वगिन्द्रियम। ठीक है, नित्यता आदि पूर्ववत, तो पहले की तरह नित्यत्व की चर्चा करनी चाहिए, नित्य अनित्य दो प्रकार का वायु। ठीक है, मुक्तावलीकार कहेंगे पूर्ववत इति वायु द्विविधः नित्यो नित्यश्च। ठीक है, दो प्रकार का वायु है, नित्य वायु और अनित्य वायु। परमाणु रूपो नित्यः, परमाणु रूप वायु नित्य है। तदन्य अनित्यः, परमाणु रूप से भिन्न जो द्रोणकादि वायु रूप वायु है वो सब अनित्य है। और अवयव समवेतश्च सावयव है। ठीक है, जो भी अनित्य है वो सब सावयव है, पृथ्वी जल तेज वायु ये चारों में समान है। सोपि त्रिविधः, पुनः वो वायु तीन प्रकार का है, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। ठीक है, तो शरीर की चर्चा पहले कहते हैं। तत्र शरीरम अयोनिजम पिशाचादीनाम। वायवीय जो शरीर होता है वो अयोनिजम एव, ये समझना है, केवल अयोनिज ही होता है। केवल पार्थिव शरीर दो प्रकार के हैं, योनिज और अयोनिज। जलीय शरीर भी अयोनिजम एव, तेजस्य शरीर भी अयोनिजम एव और वायवीय शरीर भी अयोनिजम एव। तो जो पिशाच आती है, भूत प्रेत हम लोग जो कहते हैं, पिशाच आदि का जो शरीर होता है वह वायवीय शरीर होता है, और साथ में वायुलोक में जो प्राणी निवास करते हैं उनका शरीर भी वायवीय शरीर होता है। ठीक, अब यहाँ पर किसी ने प्रश्न पूछा कि जब शरीर वायवीय है तो भोग कैसे करेगा, आदान प्रदान आदि कैसे करेगा। वायु होगा तो हमेशा बहता रहेगा, पानी भी जलीय शरीर होगा तो जल भी वो निकल करके हमेशा समुद्र में पहुंच जाएगा, तो शरीर किसके द्वारा उपभोग कैसे हो सकता है। ठीक है, प्रश्न है, तो उसके लिए उत्तर हम लोग पहले से जानते हैं, पहले भी ग्रंथकार ने इसको कहा है। परंतु जलीय तेजस वायवीय शरीराणाम, जो जलीय शरीर है, तेजस शरीर है, वायवीय शरीर है, वो पार्थिव भाग से उपष्टम्बात, पार्थिव भाग उनमें मिला हुआ रहता है। जब पार्थिव भाग रहेगा तब ना कुछ आदान प्रदान आदि उसमें ठोस रूपता आएगी, तो उपभोग करने की क्षमता आ सकती है। ठीक है, तो पार्थिव भाग उपष्टम्बात, पार्थिव भाग से उपष्टम्ब है, युक्त है, संबद्ध है, मिला हुआ है, अतः उपभोग क्षमत्वम, उपभोग की क्षमता आती है। नहीं तो केवल प्योर शुद्ध जल ही होगा वो तो बहता रहेगा, कैसे उपभोग करेगा। ठीक है, अतः जो जलीय शरीर है, जो तेजस शरीर है, जो वायवीय शरीर है, उनमें पार्थिव भाग का संबंध होता है, अतः उनमें उपभोग की क्षमता आती है। तो जैसे कि हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे हैं कि सभी शरीर में अन्य जो तत्व है, पांच तत्व है, सबकी मात्राएं होती है। जलादिनाम प्राधान्य जलीयत्वादिकम, तो जलीय शरीर को हम जलीय क्यों कहते हैं, उसमें तो पार्थिव भाग भी है, तो जल की प्रधानता होने के कारण उसको हम जलीय शरीर कहते हैं। जल समवाय कारण है, उसमें पार्थिव भाग निमित्त कारण हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग का जो शरीर है इसमें पार्थिव जो भाग है वह समवाय कारण है, और जलादिनाम निमित्तत्वम, इसकी चर्चा ग्रंथकार ने पहले भी की थी, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा उपसंहार करते समय पर भी याद दिला दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो शरीर की बात हो गई। ठीक है, अब आगे इंद्रिय की बात करनी है, देह व्यापी त्वगिन्द्रियम्। अत्रैव विशेषस्तमः देह व्यापी इति, देह व्यापी त्वगिन्द्रियम्। तो इसमें जो विशेष है, बाकी तो पूर्ववत है, नित्यतादि पूर्ववत हो गया, तो विशेष क्या है, वायवीय इंद्रिय। तो वायवीय इंद्रिय क्या है, त्वगिंद्रिय है, वो देह व्यापी है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, सर्व शरीर वर्ती। ठीक है, शरीर व्यापकम स्पर्श ग्राहकम इंद्रियम त्वक, संपूर्ण शरीर में जो व्याप्त है, यहाँ पर व्यापक का अर्थ करना है पूरे शरीर में जो व्याप्त है, और स्पर्श का ग्रहण कराने वाला जो इंद्रिय है वह त्वगिंद्रिय है। तत्व वायवीयम, अब वो वायवीय है, त्वगिंद्रिय वायवीय है। ठीक है, अब हमको अनुमान करना पड़ेगा। रूपादिशु मध्ये स्पर्श सेवा विव्यंजकत्वात् अंग संगी सलिल शैत्याभिव्यंजक व्यजन पवनवत्। देखिए, इस अनुमान पर हम विचार करते हैं, जिस अनुमान से
हम लोग तोगिंद्रिय में वायवीय तो सिद्ध करने जा रहे हैं। तो तोगिंद्रिय वायवीयम, तोगिंद्रिय का पक्ष बनाइए और वायवीयत्व इसमें साध्य हो गया। रूपाद्य व्यंजकत्व विशिष्ट स्पर्श व्यंजकत्व हमारा हेतु है, ठीक है। और दृष्टांत क्या है? अंग संगी सलिल शैत्याभिव्यंजक व्यजन पवन। ठीक, देखिए अंग माने हो गया हमारा अंग, हमारा शरीर। आप लोग जब स्नान करते हैं सुबह, कभी भी सुबह शाम जब भी स्नान करने के बाद, जैसे गर्मी का भी मौसम है अथवा आप गर्म पानी से भी स्नान करते हैं, उसके बाद बाहर आइए कमरे में अपने, फिर पंखा चलाइए, तो पंखे की जो हवा है आपके शरीर में, उसका जो स्पर्श होता है, तब आप भले गर्म पानी से नहाए हुए हों फिर भी उसमें शीतल स्पर्श की प्रतीति होती कि नहीं होती है, शीतलता की हमको अनुभूति होती कि नहीं होती है, होती है, ठीक है। तो हमारा जो अंग है उसमें संगी, उसमें मिला हुआ, उसमें संयोगी जो सलिल है, ठीक है, हमारे शरीर में जो पानी के बूंद पड़े हुए हैं वो हो गए अंग संगी सलिल, सलिल माने जल। उसमें कौन सा स्पर्श है? जल का स्पर्श शीतल स्पर्श होता है, उसका जो शैत्य है उसका अभिव्यंजक कौन है? व्यजन पवन। व्यजन माने जो पंखा, उसकी जो हवा है व्यजन पवन। तो व्यजन की जो पवन है, पंखे की जो हवा है, वह हमारे शरीर में जो जल के बूंद हैं, जल के कण हैं, उनमें जो शीतल स्पर्श है, ठीक है। जब आप नहा रहे होते हैं तब कई बार आपको पता नहीं चलता शीतल स्पर्श की प्रतीति होती नहीं होती, पानी कभी कभी गर्म होता है, पर्याप्त ठंडा नहीं होता, किंतु जब आप आते हैं बाहर पंखा चलाते हैं, ठीक है, जब हमारे हवा का स्पर्श आपके शरीर के साथ होता है, उस जल के साथ होता है, तो आपकी आपको शीतलता की अनुभूति होती है। तो जल में जो शीतल स्पर्श है तो पहले से है, पहले उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही थी, उसकी प्रतीति नहीं हो रही थी, तो उसका व्यंजक कौन हुआ? अभिव्यंजक व्यजन का पवन हुआ, ठीक है। तो अंग में लगा हुआ जो सलिल है उसमें जो शैत्य शीत स्पर्श है उसका अभिव्यंजक व्यजन का पवन होता है, ठीक है। ये तो अर्थ आपने समझ लिया। इससे हमको करना क्या है अभी देखते हैं। हमको तो अनुमान करना है, हमको तो इंद्रिय में वायवीय तो सिद्ध करना है, तो हमको देखना है कि हमारा जो हेतु है वो पक्ष में है कि नहीं, क्योंकि हमको व्याप्ति देखनी है और पक्ष धर्मता देखनी है। तो रूपाद्य व्यंजकत्व विशिष्ट स्पर्श व्यंजकत्व हमारा हेतु है। तो जो त्वगिंद्रिय है वो रूपादि का प्रत्यक्ष कराता है क्या? नहीं कराता। रूपादि का अव्यंजक है, त्वगिंद्रिय से तो रूप का प्रत्यक्ष होना नहीं है, और वो स्पर्श का प्रत्यक्ष कराता है, शीतल स्पर्श उष्ण स्पर्श का प्रत्यक्ष कराता है, तो स्पर्श व्यंजकत्व है। तो रूपाद्य व्यंजकत्व सती स्पर्श व्यंजकत्व यह हेतु त्वगिंद्रिय में विद्यमान है। हो गई पक्ष धर्मता। अब व्याप्ति देखिए, यत्र यत्र रूपाद्य व्यंजकत्व से स्पर्श व्यंजकत्व तत्र तत्र वायवीयत्व यथा, ये हो गया व्यजन पवन, ठीक है। ये जो हम व्यजन का पवन है, पंखे का हवा है, वो क्या करता है? अंग में लगा हुआ जो शरीर है, जल है, उसका जो शीतल स्पर्श है उसका प्रत्यक्ष कराता है, रूपादि का प्रत्यक्ष नहीं कराता है। तो रूपादि अव्यंजकत्व और स्पर्श व्यंजकत्व ये दोनों व्यजन पवन में है, ठीक है। तो यत्र यत्र रूपादि व्यंजकत्व से स्पर्श व्यंजकत्व तत्र तत्र वायवीयत्व, ये जो व्यजन का हवा है, पंखे की जो हवा है वो वायवीय है, वो स्वयं वायु है, अतः उसमें वायवीयत्व साध्य भी है। तो यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, तो यहाँ पर व्याप्ति भी बन गई, ठीक है। तो व्याप्ति भी है और पक्ष धर्मता भी है, अतः ये जो हमारा हेतु है ये हेतु हमारा सदहेतु हो गया। सदहेतु होने के कारण सत्य तो क्या करता है? पक्ष में साध्य को सिद्ध कर देता है, तो त्वगिंद्रिय में वायवीयत्व की सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से त्वगिंद्रिय वायवीय है, इसलिए हमको दिखता नहीं है। आपको जो बाहर दिखाई दे रहा है ना, वो चमड़ा है, चर्म चर्म आपको दिखाई दे रहा है। चर्म के अंदर विद्यमान जो इंद्रिय त्वगिंद्रिय है जो कि वायवीय है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष हम चक्षुरेन्द्रिय के द्वारा, किसी भी इंद्रिय के द्वारा नहीं कर सकते। आप लोग जानते हैं इंद्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति, इंद्रियां जितने भी हमारी 6 इंद्रियां वो सब के सब अतीन्द्रिय होते हैं। इंद्रियों के द्वारा हम अन्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष करते हैं, हम इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर इस अनुमान में एक व्यभिचार आएगा, आप लोग जानते हैं क्या व्यभिचार आएगा? सन्निकर्ष में व्यभिचार आएगा, ठीक। अब सन्निकर्ष में व्यभिचार आएगा, उसको वारण कैसे करेंगे? उसको वारण करने के लिए हम लोग द्रव्यत्व सति विशेषण देंगे, ठीक है। अब मुझे इसकी यहाँ पर व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विषय इंद्रिय की चर्चा हुई, अब विषय की चर्चा करते हैं। प्राणादिष्टु महावायु पर्यंतो विषयो मतः, तो वायु
ये विषय जो है प्राण से लेकर के महावायु पर्यंत, सामान्य रूप से जो नित्य वायु है उसको छोड़ करके द्रोणक आदि सभी जो वायु है वो वायु के विषय हैं। ठीक है, विषयम दर्शयति प्राणादि रीति, यद्यपि अनित्यो वायु चतुर्विदः तस्य चतुर्थविदा प्राणादि रीत्युक्तम आकरे तथापि संक्षेपादेव त्रैविध्यम उक्तम। अब ग्रंथकार यहाँ पर एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो अनित्य वायु है वो वास्तव में चार प्रकार का होता है। यहाँ तो इन्होंने तीन प्रकार का बताया, शरीर इंद्रिय और विषय। तो जो भाष्य है आ करे भाष्य, भाष्यकार ने क्या लिखा है कि चार प्रकार के वायु है, अनित्य वायु चार प्रकार के है, शरीर इंद्रिय विषय और प्राण। प्राण को इन्होंने अलग स्थान दिया है। तस्य चतुर्थी विधा प्राण आदि, है ना, चौथी जो प्रकार है वायु की वो प्राण है, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। तो आप भाष्य के विरुद्ध में कैसे चले गए? तो तथापि संक्षेपाद एव त्रैविध्य मुक्तम। हम लोग अभी क्योंकि राजीव के लिए नए छात्रों के लिए लिख रहे हैं, तो सामान्यतः सब जगह पर शरीर इंद्रिय विषय का भेद हम बता रहे हैं। तो वायु भी वास्तव में विषय के अंतर्गत आता ही है। वायु एक महत्वपूर्ण विषय होने के कारण भाष्यकार ने उसको अलग से महत्व देने के लिए अलग से चतुर्थी विधा ऐसा कहा। अतः हम लोग संक्षेप से त्रैविध्य बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो कोई भाष्य देखे और यहाँ पर देखे तो उसको तो लग सकता है कि भाष्य के विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। नहीं नहीं हमको ज्ञात है कि भाष्यकार ने चार प्रकार के अनित्य वायु का भेद बताया है, किंतु हमने संक्षेप से तीन ही भेद यहाँ पर बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्राण की चर्चा कर रहे हैं। प्राणस्तु एक एव हृदयादि नाना स्थान वसात मुख निर्गमादि नाना क्रिया भेदाच नाना संज्ञाम लवते इति। ठीक है, तो जो प्राण है वो एक ही है, हमारे शरीर में एक प्राण है, किंतु हम लोग पंच प्राण की चर्चा करते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। ठीक है, तो ये पंच संज्ञा कहाँ से प्राप्त हुई? एक ही प्राण है तो कहते हैं उसका स्थान भिन्न भिन्न है ना, हृदयादि नाना स्थान वसात। ठीक है, जैसे कि अमरकोश में लिखा है, हृदय प्राण गुदीपान समानो नाभि संस्थित उदान कंठ देशस्थो व्यान सर्व शरीर। ठीक है, तो ये हृदय देश में जो वायु है उसको हम प्राण कहते हैं, जो गुदा देश में अपान वायु है। ठीक है, नाभि में समान वायु है। ठीक है, कंठ में उदान वायु है और व्यान वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। तो नाना स्थान में विद्यमान होने के कारण, स्थान रूप उपाधि के भेद होने के कारण नाना संज्ञाम लवते, और क्रिया भेदाच, इन पांच वायुओं की क्रिया भी अलग अलग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दिनकरिकार ने लिखा है, मुख नासिकाभ्याम निष्क्रमण प्रवेशनात् प्राण, मुख नासिकाभ्याम निष्क्रमण प्रवेशनात् प्राण, मुख और नासिका से जो अंदर बाहर जो कर रही है जो वायु उसको हम प्राण कहते हैं। ठीक, मलादि नाम अधो नयनाद अपान। ठीक है, हमारा मल आदि को जो बाहर ले जाने वाली जो वायु है वो अपान वायु है। केवल मल आदि की चर्चा नहीं करनी चाहिए, जैसे हम लोग जो अन्न आदि खाते हैं, ठीक है, जलपान करते हैं, उसका जो रस बनता है वो हमारे पैर तक में चला जाता है। जैसे हम लोग पैर में कुछ घाव हो गया, हम दवाई खाते हैं, पेट में गया उतना तो हमको पता चलता है, पैर में कैसे जाता है? तो नीचे के शरीर के जो निचले भाग है वहां तक जो अन्न के रस है, औषध के जो रस है, वहां वहां तक जो पहुंचाने वाले जो वायु है उस वायु को हम लोग अपान वायु कहते हैं। ठीक, आहारेशु पाकार्थम बन्ने समुन्नयनात् समान। ठीक है, समान वायु कहाँ है? नाभि में। तो हम लोग जो अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, उसको पकाने के लिए, पचाने के लिए जो अग्नि है, जठराग्नि है, वहां तक ले जाने वाली जो वायु है उस वायु को समान वायु कहते हैं। ठीक, ये अलग अलग कार्य है वायु का। ऊर्ध्वम नयनाद उदान, वही जो आहार आदि, आहार का जो रस है, हम लोग जो भोजन करते हैं तो सबसे ज्यादा अन्न का जो भाग रस है उसका सेवन कौन करता है? ये तो शिरोभाग करता है। ठीक है, क्योंकि सब सारा मशीन तो यही हमारे सिर में पड़ा हुआ है, तो हम लोग खाते हैं, पेट में चला जाता है, तो उसका प्रभाव आंख में, नाक में, सिर में कैसे पड़ता है? तो जो उदान वायु है, ठीक है, जो कंठ देश में विद्यमान उदान वायु है, वो क्या करता है? वो अन्न के रस को आवश्यकता के अनुसार शरीर के ऊपर के हिस्से तक पहुंचाता है। तो जो वायु है उस वायु का नाम है उदान वायु। नाड़ी मुखेशु वितनाद व्यान, व्यान सर्व शरीर, संपूर्ण शरीर में व्याप्त व्यान वायु है, हमारे जो कोशिकाएं हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, रक्त बनता है, तो रक्त तो कोशिका के अंदर जाता है, नाड़ी के अंदर जाता है,
तो कैसे जाएगा? और जो पुराना रक्त है वो बाहर निकलता भी है, तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? क्योंकि वो जो हमारे नाड़ी के जो मुख है, नाड़ियों में छिद्र होते हैं, उनमें वायु व्याप्त है, व्यान वायु, ठीक है। तो जो पुराना कुछ निकलना है तो वो स्थान देगा, बाहर निकल आएगा। जब हमको नया कुछ बनता है तो फिर उसके माध्यम से अंदर चला जाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर के जो व्यवस्था, सारे जो व्यवस्था देखने वाले हैं, ये पंच हमारे प्राण है। पूरे शरीर को धारण कौन कर रखा है? वायु, प्राण, है ना। तो प्राण, प्राण ने हमारे शरीर को धारण कर रखा है, इसलिए हमको पता नहीं चलता, ठीक है। जब ये प्राण निकल जाता है तो आपको पता है ये चार आदमी चाहिए होता है, वो भी बीच में बदलते रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी तो हम अकेले वायु लेकर के, हमारे पूरे शरीर को लेकर हम दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि इतना वजन हम उठाकर चल रहे हैं, ठीक है। तो वायु ने हमारे शरीर को धारण कर रखा है, इसलिए हम लोग जब भोजन करते हैं तो हम किसको भोजन कराते हैं? प्राण को, है ना। प्राणाय स्वाय, अपानाय स्वाय, ब्यानाय स्वाय, तो हम लोग प्राण को भोजन कराते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये प्राण एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए भाष्यकार ने अलग से चतुर्थी विधा ऐसा व्याख्या किया है, किंतु यहाँ पर मुक्तावलिका ने विषय के अंतर्गत इसको ले लिया है। तो शरीर की चर्चा हो गई, इंद्रिय की चर्चा हुई और विषय की चर्चा भी हो गई, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आकाश से तो विज्ञेय शब्दो वैशेषिको गुण, ठीक है। आकाश का विशेष गुण शब्द है, विशेष एवं वैशेषिक, स्वार्थिक प्रत्यय हुआ है, शब्द विशेष गुण ऐसा समझना चाहिए। तो आकाश का विशेष गुण शब्द है। अब देखिए, आकाशम निरूपयति आकाशस्य इति, आकाश काल दिशाम एकैक व्यक्तित्वात् आकाशत्वादिकम न जाति ही। आप लोग जानते हैं आकाश एक व्यक्ति मात्र है, आकाश नाना नहीं है। काल भी एक व्यक्ति है, काल नाना नहीं है। दिग भी एक व्यक्ति है, नाना नहीं है। तो आकाश काल दिशाम एकैक व्यक्तित्वात्, ये सब एक एक व्यक्ति होने के कारण आकाशत्वादिकम न जाति, आकाशत्व जाति नहीं है। एक व्यक्ति मात्र वृत्ति स्तु न जाति, व्यक्ति रेद जाति बाधक। तो आकाशत्व जाति नहीं है, आप लोग जानते हैं। कालत्व जाति नहीं है और दिक्त तो भी जाति नहीं है, ठीक है। अब आपको प्रश्न कोई पूछे कि आकाश में जाति रहती है कि नहीं रहती है, तो क्या बोलना है? आकाश में जाति रहती है। ऐसा नहीं कहना कि आकाश में जाति नहीं है, आकाश में जाति है। कौन सी जाति है? द्रव्यत्व जाति है, क्योंकि द्रव्यत्व तो नव द्रव्य में रहने वाली जाति है ना। सत्ता जाति है, सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहने वाली जाति है। किंतु क्या बोलना है? आकाश में जो आकाशत्व है वो आकाशत्व जाति नहीं है, ऐसा बोलना है। आकाश में जाति नहीं रहती, ऐसा नहीं बोलना है। बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग भी बोल देते हैं कि आकाश में जाति नहीं है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि आकाश में तो आकाशत्व जाति है तो अब आकाशत्व जाति है नहीं। तो आपको तो समझ में आ गया, आप तो गलती नहीं करेंगे। तो कालत्व भी जाति नहीं है, किंतु काल में जाति है। दिक तो भी जाति नहीं है, किंतु दिक में जाति है। द्रव्य तो जाति है, सत्ता जाति है। तो आकाशत्वादिकम न जाति, किंतु आकाशत्वम किम तरी, उपाधि है तो उपाधि की हम थोड़ी व्याख्या करते हैं। उपाधि होने पर आकाशत्वम किम, जाति कह देते तो बात खत्म हो जाती। तो आकाशत्वम किम शब्दाश्रयत्वम अथवा शब्द समवाय कारणत्वम, ठीक है। अन्यथा से देखे निरूपण के क्रम में हमने आकाशत्वम शब्द समवाय कारणत्वम खूब चर्चा की है, आप लोगों को याद होगा। वैशेषिक यदि कथनंतु विशेष गुणांतर व्यवच्छेदाय, तो शब्दों वैशेषिको गुण कहा, आकाश में शब्द विशेष गुण रहता है। अरे आकाश में शब्द गुण रहता है कह देते, विशेष गुण रहता है कहने क्या जरूरत है? क्योंकि हमको तो मालूम ही है ना शब्द विशेष गुण है। तो कहते हैं कि विशेष कहने कहे करके वैशेषिक स्वार्थिक प्रत्यय विशेष एवं वैशेषिक, आकाश में शब्द विशेष गुण रहता है ऐसा कहे करके वो क्या संकेत करना चाहते हैं कि शब्द ही एक विशेष गुण रहता है, विशेष गुणांतर, शब्द से भिन्न कोई भी दूसरा विशेष गुण आकाश में नहीं रहता। इस बात को ग्रंथकार संकेतित कर रहे हैं। तो आकाश में कितने गुण है आप जानते हैं? तेज चखे, ठीक है, शब्द से तेज चखे, कारिका में लिखा है शब्द से तेज चखे, शब्द है और ते माने संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग, जो पांच सामान्य गुण है सभी द्रव्य में रहने वाले गुण, और एक शब्द, छह गुण आकाश में रहते हैं। तो आकाश में एक ही विशेष गुण है शब्द, शब्द से भिन्न कोई दूसरा विशेष गुण आकाश में नहीं है, ठीक है। तो विशेष कहते कथनंतु विशेष गुणांतर व्यवच्छेदाय, विशेष गुणांतर के व्यवच्छेद के लिए यहाँ पर विशेष पद का उपादान किया गया है। तो आकाश का लक्षण बनाना हुआ तो क्या करेंगे? शब्दाश्रयत्वम आकाश से लक्षण। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, ये दिन प्रमाण अभी दर्शितम तथा ही, शब्दाश्रयत्व कहने से, आकाश में शब्द विशेष गुण रहता है कहने से आकाश में प्रमाण का प्रदर्शन होता है। अब हमको आकाश की सिद्धि करनी है, यहाँ पर
आकाश है इसमें क्या प्रमाण है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से तो आकाश की सिद्धि होती नहीं है, तो शब्दाश्रय तो ना आकाश की सिद्धि होती है। ठीक है, और ये यहाँ पर हम जो बताने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण भी है और रोचक भी है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए। तथा ही, अब देखिए एक एक स्टेप करके ग्रंथकार किस बढ़िया ढंग से जाते हैं। शब्दो गुण चक्षुर ग्रहण अयोग्य बहिरिंद्रिय ग्राह्य जाति मत्वात् स्पर्शवत्। अब शब्द में सबसे पहले गुणत्व सिद्ध कर रहे हैं ग्रंथकार। शब्द जो है गुण है, वैसे हम लोग को ज्ञाति है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो क्योंकि उनको तो सिखाना है ना ग्रंथकार को, इसलिए वो यहाँ पर बता रहे हैं। शब्दो गुण, शब्दों को पक्ष बना करके गुणत्व को साध्य बना रहे हैं। शब्द गुण है पहले सिद्ध करेंगे कि शब्द गुण है। क्यों? चक्षुर ग्रहण अयोग्य बहिरिंद्रिय ग्राह्य जाति मत्वात् स्पर्शवत्। अब देखिए हेतु देखिए, चक्षुर ग्रहण अयोग्य बहिरिंद्रिय ग्राह्य जो जाति, ऐसी जाति हमको लेनी है जो जाति बहिरिंद्रिय से ग्राह्य हो किंतु चक्षुर ग्रहण अयोग्य हो, चक्षुर इंद्रिय से जिनका ग्रहण नहीं होता हो, ऐसी जो जाति। ठीक है, दृष्टांत में देखते हैं, स्पर्शवत, स्पर्श को दृष्टांत बनाया है, तो स्पर्श में रहने वाली जाति स्पर्शत्व जाति। तो स्पर्शत्व जाति का प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है? तुगेंद्रिय के द्वारा होता है। चक्षुरेन्द्रिय के द्वारा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो स्पर्श का प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं होता है, तुगेंद्रिय से होता है। तो स्पर्श में रहने वाली जो स्पर्शत्व जाति है, आप लोग जानते हैं, एन इंद्रियण या व्यक्ति गृहते तेन भी इंद्रियण तदगता जाति रि गृहते। तो स्पर्शत्व जाति का भी प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है? तुगेंद्रिय के द्वारा होता है, चक्षुरेन्द्रिय के द्वारा नहीं होता है। तो चक्षुर ग्रहण अयोग्य बहिरिंद्रिय ग्राह्य जो जाति है हो गया स्पर्शत्व जाति, तार से जाति मत स्पर्श में है और उसमें गुणत्व भी है। तो यत्र यत्र चक्षुर ग्रहण अयोग्य बहिरिंद्रिय ग्राह्य जाति मत्वम तत्र तत्र गुणत्वम यथा स्पर्श व्याप्तिग्रहत हो गया। अब पक्ष धर्मता देख लिए, शब्द में हेतु ही नहीं देखना है। तो देखिए शब्द में जो जाति है शब्दत्व जाति, उसका प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है? श्रवण इंद्रिय के द्वारा होता है। चक्षु के द्वारा होता है क्या? नहीं होता। तो चक्षुर ग्रहण अयोग्य है और बहिरिंद्रिय से ग्राह्य जाति हो गए शब्द तो जाति, तार से जाति मत तो शब्द में। तो शब्द रूप पक्ष में हेतु है, पक्ष धर्मता है, यहाँ पर व्याप्ति भी है। अतः इस अनुमान से शब्दो गुण चक्षुर ग्रहण अयोग्य बहिरिंद्रिय ग्राह्य जाति मत्वात् स्पर्शवत्। इस अनुमान के द्वारा हम शब्द में गुणत्व की सिद्धि सबसे पहले करेंगे। ठीक है, एक काम हुआ। नंबर दो, शब्दो द्रव्य समवेतः गुणत्वात् संयोगवत्, ये दूसरा अनुमान है। अब क्या सिद्ध करना है ग्रंथकार को? शब्द में द्रव्य समवेतत्व सिद्ध करना है। पहले हमने सिद्ध किया शब्द गुण है और दूसरा सिद्ध किया शब्द जो है द्रव्य समवेत है। शब्द में द्रव्य समवेतत्व सिद्ध करना है। शब्दो द्रव्य समवेतः गुणत्वात् यत्र यत्र गुणत्वम तरह तरह द्रव्य समवेतत्वम, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं। जो भी गुण होता है वो द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, यथा संयोग यथा रूपम यथा रस, कोई भी दृष्टांत बनाइए, जो भी गुण होता है वह द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। यत्र यत्र गुणत्वम तत्र तत्र द्रव्य समवेतत्वम, इस अनुमान से क्या सिद्ध होगा? कि शब्द में द्रव्य समवेतत्व सिद्ध हुआ, शब्द द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है सिद्ध हुआ। ठीक, अब देखिए सब अनुमान ग्रंथकार क्यों कर रहे हैं? ग्रंथकार की दृष्टि कहाँ है? ग्रंथकार की दृष्टि है कि शब्दाश्रयत्व आकाश को सिद्ध करना है, ग्रंथकार को आकाश की सिद्धि करनी है। तो अभी आपको क्या मानना है कि कितने द्रव्य हैं? तो अभी आकाश को सिद्ध अभी हम करने जा रहे हैं, अभी आकाश सिद्ध नहीं हुआ है, तो आठ द्रव्य हैं, आकाश को छोड़ करके आठ द्रव्य हैं। तो ग्रंथकार की दृष्टि है, ग्रंथकार की जो शैली है, उनको क्या बताना है कि देखिए जो आठ द्रव्य हैं उनमें से कोई भी शब्द का आश्रय नहीं हो सकता, और शब्द किसी न किसी द्रव्य में आश्रित होता है, ये हमको बताना है, एक ग्रंथकार को सिद्ध करना है। ठीक है, उसके लिए पहले हम एक अनुमान बनाते हैं। अब देखिए ग्रंथकार का दृष्टि क्या है, उद्देश्य क्या है? शब्द अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रित, जो आठ द्रव्य हैं आकाश को छोड़कर के अन्य जो आठ द्रव्य हैं उनसे अतिरिक्त जो द्रव्य है उसमें आश्रित है, उसमें समवेत है, समवाय संबंध रहता है, एक ग्रंथकार को सिद्ध करना है। तो जो अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त जो द्रव्य होगा वो आकाश है, ये उनको सिद्ध करना है। ठीक, तो शब्द को पक्ष बना करके अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रित सिद्ध करना है, ये परिशिष्टानुमान है। परिशिष्टानुमान का उदाहरण आपके सामने कई बार आ चुका है। हेतु क्या है? अष्ट द्रव्याश्रितत्व सति द्रव्याश्रितत्वात्। देखिए शब्द जो है अष्ट द्रव्य में आश्रित नहीं हो सकता, जो प्रसिद्ध आठ द्रव्य है उनमें शब्द आश्रित नहीं हो सकता, मतलब उनका गुण शब्द हो नहीं सकता।
और शब्द द्रव्याश्रित भी है। ठीक है, अब देखिए शब्द क्या है, द्रव्य में आश्रित है, द्रव्य में रहता है समवाय संबंध से। जो आठ द्रव्य हैं प्रसिद्ध, वो आठ द्रव्य द्रव्य शब्द के आश्रय होने सकते, उनमें शब्द आश्रित होने सकता। ये जब सिद्ध हो जाएगा तो क्या सिद्ध होगा, कोई ना कोई नवा द्रव्य है जो कि शब्द का आश्रय है। अतः इस प्रकार से नवम द्रव्य की सिद्धि हम लोग करते हैं। वो जो नवम द्रव्य शब्द का आश्रय आकाश है, ये ग्रंथकार को कहना है, ये उनकी दृष्टि है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए तो ये जो अनुमान देखिए, शब्द को पक्ष बनाया, अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रित तत्व का साध्य बनाया और हेतु बनाया अष्ट द्रव्य अनाश्रित तत्व सिद्धि द्रव्याश्रित तत्वात्। तो ये अनुमान में जो साध्य अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रित तत्व सिद्ध करना है, वो कब सिद्ध होगा, जब पक्ष में हेतु की सिद्धि होगी। तो पहले हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि अष्ट द्रव्य में अनाश्रित है शब्द और द्रव्य में आश्रित है। तो शब्द द्रव्य में आश्रित होता हुआ अष्ट द्रव्य में अनाश्रित है, ये जब सिद्ध हो जाएगा तब अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त किसी द्रव्य की सिद्धि होगी। ठीक है, तो हेतु में जो दो घटक है, दो जो भाग है, द्रव्याश्रित तत्व भी सिद्ध करना है, अष्ट द्रव्य अनाश्रित तत्व भी सिद्ध करना है। ठीक, तो पहले नंबर का काम ग्रंथकार ने किया, द्रव्याश्रित तत्व सिद्ध किया। देखिए ये जो अनुमान हमने बनाया, शब्द द्रव्य समवेता, शब्द जो है द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, ये हो गया द्रव्याश्रित तत्व सिद्ध कर रहे हैं गुणत्वात्। तो जब द्रव्याश्रित तत्व सिद्ध हो, इति अनुमान है ना, शब्द से द्रव्य समवेतत्व सिद्धे, इस अनुमान से शब्द में द्रव्य समवेतत्व सिद्ध हुआ कि शब्द द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, ये जब सिद्ध हुआ। अब आगे का काम क्या करना है ग्रंथकार को, अष्ट द्रव्य अनाश्रित तत्व सिद्ध करना है। ठीक है, जो प्रसिद्ध आठ द्रव्य हैं, वो आठ द्रव्य शब्द के आश्रय नहीं बन सकते। तो एक एक करके उन्होंने दो तीन अनुमान बनाया है। तो अगला जो अनुमान है, शब्दों न स्पर्शवत विशेष गुण अग्नि संयोगा समवाय कारणकत्व भावे सती अकारण गुण पूर्वक प्रत्यक्षत्वात् सुखवत्। ठीक है, फिर आगे और अनुमान बनाएंगे, फिर अनुमान बनाएंगे, दो चार अनुमान बनाएंगे, दो चार अनुमान के बल पर ये सिद्ध करने वाले हैं कि शब्द का आश्रय ये आठ द्रव्य हो नहीं सकते। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं। आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं।